अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा तो जो मेकअप लुक मैंने अभी क्रिएट करनी है वो स्पेशली हमारे शादी सीज़न के लिए है। ठीक है, शादी सीज़न ऑफकोर्स आ रहा है, लड़कियों को डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने जो है वो प्यारे प्यारे कपड़े लिए होते हैं, तो उस हिसाब से हम जो है एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करें। तो मैंने एक पहले भी वीडियो पोस्ट की थी, ठीक है, तो वो उस सीरीज़ की एपिसोड 1 थी एंड दिस इज़ द एपिसोड 2। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं जो है अपनी स्किन को मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था। ठीक है, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर लें, वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं था, लेकिन अभी मैं अपनी स्किन को प्रेप करूँगी विद दिस निर्माणा बॉटैनिक्स वाइटमिन सी ई सीरम। बहुत इसकी तारीफ तो सुननी होगी आप लोगों ने। ओके, अब मैं बिल्कुल लाइट सा जो है वो कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी अपने डार्क सर्कल्स पर, और जो जो भी डार्क एरिया है आपके फेस पे या फिर आपके स्पॉट्स हो गए, ठीक है, उधर जो है वो आपने कलर करेक्टर कंसीलर जो है वो अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट जो है मैं वो फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, ये है मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन। ठीक है, ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है और शादी सीजन के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत देर तक जो है वो लास्ट करती है और ना ही जो है ये ऑक्सीडाइज होती है जल्दी। सो इसको हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। नेक्स्ट मैं इस ब्राउन जेल लाइनर के साथ अपनी आईब्रोज जो हैं वो उनको सेट कर लूँगी। डिफरेंस जो है वो आप दोनों आईब्रोज में देख सकते हैं कि सेट करने के बाद कैसी लुक आती है और उससे पहले कैसी लुक होती है। ओके ओके, सो कोई भी आपने पैलेट लेके उसमें से ब्राउन शेड ले लेना है और उससे जो है वो आपने स्टार्ट करना है अपनी अपना बेस कोट। ठीक है, मोस्टली जो आई मेकअप्स होते हैं उनका बेस कोट जो होता है वो लाइट ब्राउन से होता है स्टार्ट, तो आपने इस तरह अब जो है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लूँगी। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा ग्लिटर मेकअप करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो रेड में है और उसके ऊपर जो पर्ल्स लगे हुए हैं वो वाइट एंड गोल्डन में है, तो थोड़ा सा इस तरह का मैं थोड़ा सा ग्लिटर टच दूंगी इसको। तो इसके लिए हम जो है वो थोड़ा सा कट क्रीज करेंगे, हाफ कट क्रीज। इस कट क्रीज के ऊपर मैं जो है ये गोल्ड शेड लगाऊंगी पहले। ओके जी, कट क्रीज डन हो गई है। आप इसी लुक को भी आप एज अ कंप्लीट लुक लेके चल सकते हैं, लाइनर लगा लें, लैशेज लगा लें, बट अगर आप जो है इसमें मज़ीद ग्लिटर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें लिक्विड ग्लिटर ऐड कर सकते हैं या फिर चंकी ग्लिटर्स जो भी है वो आप इसके टॉप पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं जो है वो अभी सोच रही हूँ कि मैं इसमें लिक्विड ग्लिटर्स या फिर दूसरे चंकी ग्लिटर्स ऐड करूँ या ना करूँ, लेट्स सी मैं करती हूँ या नहीं करती। सो मुझे मेरे जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टी मेकअप लुक्स चाहते हैं उनके लाइक अकॉर्डिंग टू शादी ड्रेसेस, ठीक है, मोस्टली ये मेकअप जो है वो आपके ज़्यादातर ड्रेसेस के साथ चल जाता है। ठीक है, ये लुक। ओके, सो मैं बिल्कुल लाइट से ग्लिटर जो है वो ऐड कर रही हूँ। मैंने इन दो ग्लिटर्स को मिक्स किया है, एक ये शेड है और एक ये शेड है, इन दोनों को जो है वो मैंने मिक्स करके अपनी इस आईलिड पर लगाया है। मैं दूसरे पर भी अप्लाई करती हूँ। ओके, सो अब मुझे एक लुक जो है वो ज़्यादा अच्छी लग गई है ग्लिटर्स लगा के, तो ये मेरा जो ड्रेस है ना ये बहुत हैवी है जिसकी वजह से बार बार आगे आ जाते हैं। तो अब जो है हम लाइनर अप्लाई करेंगे, लैशेस, मस्कारा एंड वो चीज़ें मैं अप्लाई करके आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो गाइस, हियर आई एम डन विद माय आई मेकअप एज यू कैन सी। ठीक है, छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स जो है वो मैंने ऐड की हैं एंड लैशेज, मस्कारा, आई लाइनर, दैट्स इट। अब जो है वो अपने फेस मेकअप की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा ब्लश लगाएंगे। बिल्कुल लाइट से जो है वो मैं पाउडर कंटूरिंग करूंगी, बिल्कुल लाइट से। मुझे जो है वो मेरे फेस पे ज़्यादा कंटूरिंग पसंद नहीं है। ठीक, बिल्कुल लाइट से इसको आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करें। अब हल्की सी नोज की भी करती हूँ मैं।
अच्छा, अब नोज़ की कंट्रोलिंग हमेशा आपने ना अपने ना आईब्रोज से स्टार्ट करनी है, ठीक है, जहाँ पर आपकी आईब्रोज जो है वो एंड हो रही हैं वहाँ से आपने स्टार्ट करके नीचे लानी है, एंड बीच के बीच में नहीं करनी, बीच में हम हाइलाइटर लगाते हैं साइड साइड पे करके, ठीक है, लुक। और बीच में जो हमने अब हाइलाइटर अप्लाई करूँगी तब आपको जो है वो सही शेप देखने को मिलेगी, थोड़ा सा टिप पे, थोड़ा सा नोज बोन में। मुझे बहुत ज़्यादा चमचमाता हुआ हाइलाइटर पसंद नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा, थोड़ा सा हाइलाइटर आप अपने इस एरिया पर, इस एरिया पर और इस एरिया पर भी अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले आउटलाइनिंग करेंगे किसी भी डार्क कलर से। नाउ आई एम अप्लाइंग मैट ग्लॉस। सो इसी के साथ हमारी मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट होती है। मैं अपना हेयर स्टाइल जो है वो कर लूँ और फिर उसके बाद मैं आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके, सो इन फर्स्ट हेयर स्टाइल आपने जो है वो ये दो स्ट्रेन्स अपनी फ्रंट वाली जो है वो हेयर की लेके आपने पीछे जो है वो पिन अप कर देनी है, ठीक है, और बाकी जो बाल हैं वो आप स्ट्रेट रख सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने स्ट्रेट करके आपको दिखाया है, मैं कर्ल भी करूँगी। ये जो मैं कर्लर से ज़रा अपने बाल कर्ल कर रही हूँ, ये लेनी है आपने स्ट्रेन, ये ध्यान से कर्लर आपके फेस पे ना लग जाए। सो हियर इज द फाइनल लुक। ओके, अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड ओके सो इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और साथ में लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको मज़ीद किसी तरह की लुक्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन।